हे एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक्नोफाइल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस गैजेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है ये पोर्टेबल नेक फैन के बारे में। जी हाँ, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम वायरलेस हेडफोन की तरह लगता है ये। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं वो सारी और नॉलेज दूंगा, इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ होता है, इसको कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को चालू करते हैं। तो देर के बाद की चलो शुरू करते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसको फटाफट बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर से हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। और जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमको एक तो ये मिल जाता है पोर्टेबल नेक फैन, और साथ में हमें इसके मिल जाती है एक यूएसबी केबल जो कि बहुत छोटी है, और हमें एक ये मैनुअल गाइड मिल जाती है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है और एकदम वायरलेस हेडफोन की तरह है इसका जो डिज़ाइन, और इसका जो मटेरियल क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली साइड में ये सिलिकॉन टाइप का मटेरियल लगा हुआ है, जो कि इसको जितना भी मोड़ो, आप अगर आप इसको मोड़ते हैं तो देखते हैं कि 360 डिग्री पे भी मुड़ सकता है पूरा, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। इसलिए ये सिलिकॉन मटेरियल लगाया हुआ इधर, और सिलिकॉन मटेरियल के अंदर ही वायरिंग होती है, जैसे जो इसे कितने भी एंगल पर मोड़ सकते हो आप, तो ये ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। और आप देख सकते हैं कि इसके साइड में आपको है ना फैन मिल जाते हैं, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो जगह पे फैन दिए हुए हैं, ब्लेड वाले फैन हैं। तो ऊपर की साइड में आपको होल दिखते हैं, यहाँ से हवा आती है जो कि आपके सीधा फेस पे जाती है। जब आप इसे नेक पे लगाते हैं ऐसे, तो ये यहाँ से सीधा आपके फेस पे जाती है हवा, और ये जो ब्लेड होती है यहाँ से हवा लेता है और यहाँ से आपके फेस पे भेजता है हवा को। और आप देख सकते हैं कि साइड में आपको यूएसबी केबल का पोर्ट मिल जाता है जिससे ये चार्ज हो जाती है, और इसके अंदर पॉलीमर की बैटरी लगी हुई है जो कि लाइट होती है। और ऊपर की साइड आपको ये मिल जाता है पावर का बटन, ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, इसके अंदर 3 लेवल मोड ऑफ स्पीड है पावर की। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी वेट की, जो कि लाइट वेट है एकदम, ताकि अगर आप नेक पे लगा सके इसे तो आपकी नेक को ज़्यादा दर्द नहीं हो। इस कारण इसको लाइट वेट मटेरियल का ही बनाया है, ज़्यादा इसमें भारीपन नहीं है, आपको काफ़ी कम्फर्टेबल फील होगा, आपकी नेक ज़्यादा नहीं दर्द होगी इसके कारण। दोस्तों, ये आपको 5 तरह के कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर में आ सकता है, ब्लैक में मिल जाता है, पिंक में मिल जाता है, ग्रीन में मिल जाता है, ब्लू में मिल जाता है। तो आपको 5 तरह के कलर मोड में ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप इसमें से कोई भी कलर मंगा सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यू 2 से 6 घंटे चल सकता है, ये आपके स्पीड ऑफ लेवल ऑफ मोड पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्पीड ऑफ लेवल मोड यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसके अंदर 3rd लेवल ऑफ मोड स्पीड यूज़ कर रहे हैं तो ये कम चलेगा, ये 3 घंटे ही वर्क करेगा, 6 घंटे तक वर्क नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी चार्जिंग की, तो ये 1 से 2 घंटा लेता है फुल चार्ज होने में। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे अच्छी बात एक ये है कि इसके अंदर हीट रिड्यूस डिस्पाइट मॉड्यूल लगा हुआ है, जो कि इसके हीटिंग इफेक्ट को कम कर देता है। अगर ये आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हीट नहीं होता है, एकदम कूल रहता है, तो आपके नेक पे ज़्यादा है ना आपको हीट महसूस नहीं होगी और ये कूल होगा, आप कंटिन्यू इसको वर्क में यूज़ ले सकते हैं। क्योंकि आप अब दोस्तों इसे ऑन करते हैं और फटाफट देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो पावर बटन है इसको हमें प्रेस करना है, और प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ पे आपको ब्लू लाइट दिख जाती है, तो यानी ये ऑन हो चुका है। और जब भी अगर ये डिस्चार्ज होने वाला होगा या इसके अंदर बैटरी कम होगी तो यहाँ पे आपको रेड लाइट जलेगी, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये डिस्चार्ज होने वाला है, इसकी बैटरी कम है, तो यहाँ पे रेड लाइट का ही इंडिकेटर आ जाता है। अब जैसे कि आपने इसे ऑन किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जो एयर होल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से हवा आने लग जाती है। तो ये फैन के ब्लेड लगे हुए हैं, यहाँ से ये जितने भी एनवायरनमेंट में आपकी जो भी है जैसी हवा होती है वो यहाँ से वो इसको अपने में लेता है, और ऊपर वाले जो एयर वेंट है वहाँ से ये थ्रो करता है, आपके सीधा फेस पे आती है वो हवा। अब आप इसे इसके पावर बटन को जब आप वापस 2nd बार प्रेस करते हैं तो इसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और आपको महसूस भी होती है कि काफ़ी इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। अगर आप इसको 3rd बार प्रेस करेंगे तो सबसे स्ट्रांग विंड आने लगेगी और काफ़ी अच्छी हवा आने लग जाती है। आप चाहे तो इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने नेक के हिसाब से, तो ये इतना भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो इसको इतना चिपका भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप इसको कितना एडजस्ट करना चाहते हैं जिस हिसाब से आपको हवा फील हो। दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये नॉइजलेस है, यानी ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, हल्की फुल्की करेगा लेकिन इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसे यूज़ करते हुए, और ना ही इसके अंदर कोई हीटिंग इफेक्ट है, तो ये कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम इसे दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, हम होम एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो होम एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जिसका यूज़ है वो है किचन में। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप किचन में खाना बनाते हैं
आप कोई भी हो आपके फैमिली में हम खाना बनाते हैं तो किचन में काफ़ी गर्मी लगती है, काफ़ी हमें हीट महसूस होती है खाना बनाते हुए, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है और आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और आप आराम से अब किचन का काम कर सकते हैं अपना और कुकिंग कर सकते हैं और चाहे तो आप झाड़ू भी लगा सकते हैं। आप अपने घर में झाड़ू भी लगाते होंगे तो झाड़ू लगाते हुए भी आपको काफ़ी पसीना आता है क्योंकि हमें फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, तो ये उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो आप झाड़ू लगा सकते हैं, आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। बात करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ में, जैसे आ जाता है रनिंग करना, आप वॉक करने जाते हैं बाहर, कभी कभी हमें मालूम होता है कि काफ़ी है ना बाहर ह्यूमिडिटी होती तो हमें पसीना काफ़ी आता है, स्वेटिंग काफ़ी होती है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप रनिंग कर सकते हैं इसे पहन के, वॉकिंग कर सकते हैं और इवन आप बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं तो आप इसे पहन के भी खेल सकते हैं, ये गिरेगा नहीं क्योंकि एडजस्ट रहता है, आपके नेक से उछलेगा नहीं ना गिरेगा ये, तो आप इसे खेलते टाइम भी यूज़ ले सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स में यूज़ ले सकते हैं, आपको गर्मी फील नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे भी है जो मेरे से पूछेंगे जरूर ये कि है ना हम इसे टॉयलेट में या इसे वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, तो जी हाँ आप उधर आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको हवा की नीड होती है, जहाँ पे आपको गर्मी लगती है वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी ज़्यादा होशियारी नहीं लगाएगा क्योंकि ज़्यादा होशियारी लगाएंगे खराब भी हो सकता है। आपने सोचा कि मैं बाथरूम में नहाते टाइम मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, तो जी ऐसा मत करिएगा, इससे ये पूरा ख़राब हो सकता है और अपनी होशियारी कोई काम की नहीं आएगी। जहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे पानी का यूज़ नहीं है उस जगह पे इसको यूज़ करना है आपको। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, ये मुझे पोर्टेबल नेक फैन पड़ा है 400 रुपये में, तो 400 रुपये में आप इसे बाय कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप उधर जाके ही इसे बाय करें ताकि आपको ये सस्ते में मिल जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि आपको काफ़ी कॉस्टली भी पड़ सकते हैं, इसलिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया ताकि आपको 400 रुपये वाला के आसपास का ही ये पड़े जो मैं ये यूज़ ले रहा हूँ, जो कि इस कंपनी का है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो अमेज़ॉन पे आपको दिखाएगा, ठीक है, तो अलग अलग कंपनीज के होते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, तो इस हिसाब से मेरे को जो कंपनी का जो मुझे सही लगा मैंने उसका रिव्यू करा है, तो उसी का ही लिंक नीचे मैं दूंगा, आप उधर उस लिंक पर जाके उससे बाय कर सकते हैं। होपे कि दोस्तों आपको ये कूल सा पोर्टेबल नेक फैन काफ़ी पसंद आया होगा, अगर आपको इसको बाय करना है तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उधर जाके इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया काफ़ी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा ये चैनल आपके सपोर्ट और प्यार के कारण ही है और उसी के कारण ये ग्रो होता जा रहा है, तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक न्यू टेक्नोलॉजी एक न्यू वीडियो के साथ हमारे चैनल दी टेक्नोफाइल्स में। धन्यवाद।